देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, जहां दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है AQI लेवल कई हिस्सों में 850 के पार पहुंच चुका है। हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन इस वक्त राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आ रही है, लेकिन इस सिचुएशन को पार करने के लिए जो स्मोक टावर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया था लगभग 25 करोड़ की लागत से, उस स्मोक टावर पर इस वक्त जो है वो ताला लगा हुआ नजर आ रहा है। स्मोक टावर पूरी तरीके से बंद है। लगभग 25 करोड़ की लागत से इस स्मोक टावर को जो है वो लगाया गया था इस उम्मीद के साथ कि दिल्ली में अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए ये स्मोक टावर जो है दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर जो है वो लगाया गया था। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर 40 ऐसे फैन जो है वो लगाए गए थे जो दिल्ली की खराब हवा को, जो पोल्यूटेड एयर है उसको खींचेंगे और बाहर की तरफ जो है वो साफ हवा जो है वो फेंकेंगे। लगभग 2 साल की स्टडी के लिए इस स्मोक टावर को जो है वो लगाया गया था। स्टडी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के पास है, उस पर स्टडी की जाएगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या स्मोक टावर को फिर से चालू किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन जिस वक्त राजधानी दिल्ली सबसे बुरे दौर के अंदर गुजर रही है, उस वक्त ये स्मोक टावर जो है वो फिलहाल बंद पड़ा है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।